अच्छा आज हम अक्टूबर नवंबर के साथ कंटिन्यू करते हैं। और अक्टूबर नवंबर 23 का ही है, पेपर 2 वेरिएंट 2 एमसीक्यूज। फर्स्ट पार्ट, विच क्वांटिटी इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर जी क्वांटिटी आइडेंटिफाई करना है बहुत इजी है। टाइम, टाइम की कोई डायरेक्शन नहीं होती स्केलर क्वांटिटी। और सेकंड क्वेश्चन, अ स्टूडेंट मेजर्स द एवरेज स्पीड ऑफ अ साइक्लिस्ट इन अ रेस। एवरेज स्पीड नोट की है, एवरेज स्पीड का मतलब ओवरऑल डिस्टेंस कवर्ड, यानी टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। सो विच क्वांटिटीज मस्ट बी मेजर्ड। ठीक है, क्वांटिटीज बतानी है आपने। बेसिक फॉर्मूला तो सबको पता ही होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और एवरेज में बेसिकली होता है कि हम ओवरऑल रेफरेंस ले लेते हैं, उसमें कोई स्पेसिफिक किसी पॉइंट की बात नहीं होती। तो बस इसमें से आपने क्वांटिटीज चेक करनी है, द टोटल टाइम टेकन टू कंप्लीट द रेस एंड द टाइम टेकन फॉर द साइक्लिस्ट टू रीच हर हाइएस्ट स्पीड। ये तो गलत है, ठीक है, ऐसा कोई रेफरेंस नहीं होता। टोटल टाइम टेकन टू कंप्लीट द रेस एंड द टोटल टाइम टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द साइक्लिस्ट एट हर हाइएस्ट स्पीड। ये हाइएस्ट स्पीड वाला कॉन्सेप्ट कुछ भी नहीं है, ठीक है। द टोटल टाइम टेकन टू कंप्लीट द रेस, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द साइक्लिस्ट, ठीक है, और द टाइम टेकन टू रीच हर हाइएस्ट स्पीड एंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द साइक्लिस्ट। तो कौन सा ऑप्शन होना चाहिए? जी सर, सी, ठीक है, क्योंकि डी में भी उन्होंने क्या किया, फिर से हाईएस्ट स्पीड ऐड कर दिया। हालांकि हाईएस्ट स्पीड का कोई आइडिया, कोई कॉन्सेप्ट है नहीं। सिंपल, आप टोटल डिस्टेंस ढूंढोगे और टोटल टाइम ढूंढोगे और वो आपको आंसर दे देगा। ऑप्शन सी। और क्वेश्चन नंबर 3, द डायग्राम शोज अ सीरीज ऑफ इमेजेस ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट टेकन एट रेगुलर इंटरवल्स। ठीक है, तो ये जो आपको स्फीयर देख रहे हैं, ये इमेजेस हैं मूविंग ऑब्जेक्ट की। रेगुलर इंटरवल पर क्लिक किए गए, द ऑब्जेक्ट इज मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, विच स्टेटमेंट डिस्क्राइब्स द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो डायग्राम को देखते हुए आपको क्या लगता है, इक्वल इंटरवल्स पे लिए गए हैं, ठीक है, क्लियरली उन्होंने मेंशन किया है। मतलब लेट सपोज 2 2 सेकेंड्स के इंटरवल के बाद क्लिक की गई है, तो इंटरवल आपके पास सेम है। और लेफ्ट टू राइट मूव कर रही है, यानी ये डायरेक्शन होगी इसकी मूवमेंट की। और अब आपने बताना है कि आपको क्या चेंज इसमें फील हो रहा है, क्योंकि जी डिफरेंस सी, ओके, क्योंकि डिफरेंस तो क्लियर है कि इनिशियली जो डिस्टेंस था वो क्लोज क्लोज थे, उसके बाद फिर इनमें डिस्टेंस इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, और इंक्रीज होने की वजह से डेफिनेटली इसमें चेंज आएगा, क्योंकि टाइम इंटरवल सेम है। रेगुलर इंटरवल का मतलब टाइम पी का जो हमने रेफरेंस रखा है वो सेम रखा है, डिस्टेंस कवर चेंज हो रहा है। तो डिस्टेंस कवर चेंज होने का मतलब ये हुआ कि बॉडी एक्सेलरेट कर रही है, क्योंकि इसकी स्पीड में चेंज आ रहा है। ठीक है, तो इनिशियली जब ये डिस्टेंस आपको सेम सेम मिल रहे थे, जैसे ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है, यहाँ तक तो कंडीशन सेम की थी, उसके बाद चेंज होना शुरू हो गई। ठीक है, तो इनिशियली जो है वो कांस्टेंट स्पीड से ट्रेवल कर रहा था, और उसके बाद फिर वो एक्सेलरेट होना स्टार्ट हो गया, ऑप्शन सी, क्योंकि उसके डिस्टेंस में तेजी से चेंज आ रहा है। ओके, और क्वेश्चन 4, अ प्लास्टिक बॉल हैज अ मास ऑफ 4 ग्राम्स। मास गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, और देयर इज अ क्रैक इन द बॉल सरफेस।
द बॉल इज प्लेस्ड इन अ बाथ ऑफ वाटर, वाटर लीक्स इन टू द बॉल विदाउट चेंजिंग द वॉल्यूम ऑफ द बॉल एंड इवेंचुअली द बॉल सिंक्स. ठीक है, अच्छा, बॉल में जो है वो क्रैक था जिसकी वजह से वाटर उसमें फिल हो गया, और क्योंकि अब उसमें वाटर फिल होने की वजह से बॉल जो है वो सिंक हो गई, और वॉल्यूम भी गिवेन है, मास भी गिवेन है बॉल का, डेंसिटी भी गिवेन है. विच मास ऑफ वाटर हैज एंटर्ड द बॉल व्हेन द टॉप ऑफ द बॉल इज फर्स्ट लेवल विद द वाटर सरफेस. आपने मास ऑफ वाटर फाइंड आउट करना है कि जब टॉप ऑफ द बॉल इज फर्स्ट लेवल विद द वाटर सरफेस. ठीक है, तो जब बॉल का टॉप वाटर सरफेस के साथ बिल्कुल लेवल हो जाएगा उस वक्त का मास कितना होगा, आपने ये फाइंड आउट करना है. ठीक है, मतलब आपके पास सिनेरियो इस तरह का है कि सबसे पहले अगर आपके पास यहाँ वाटर सरफेस था, तो यहाँ पर जो आपने बॉल को प्लेस किया, ठीक है, अब उसमें था क्रैक, क्रैक की वजह से इसमें वाटर फिल होने लग गया और थोड़ी देर बाद वो यहाँ पर आ गया. ठीक है, अब बॉल का जो टॉप है वो वाटर लेवल के बिल्कुल सरफेस पर है. ठीक है, इसका मास गिवेन है 4 ग्राम्स, इसको केजी में कन्वर्ट कर लेंगे. वैसे जरूरत नहीं है, आंसर ग्राम्स में ही है, तो ठीक है ऐसे ही चलने देते हैं. और जब ये इसमें वाटर फिल हो गया तो बॉल के मास के साथ वाटर का मास भी आ गया. ऑप्शन डी. ओके, हम चेक कर लेते हैं. अब नेक्स्ट, विच मास ऑफ वाटर हैज एंटर्ड. अब आपने जो है वो वाटर का मास बस इसमें से फाइंड आउट करना है. अच्छा, अब इसमें जब कंप्लीटली ये फर्स्ट सिचुएशन थी इसकी और ये सेकंड सिचुएशन है, बी. ओके, अब आप इसमें क्या करोगे कि आपको यहाँ पर एक चीज का आइडिया हो रहा है कि ये वाटर के अंदर जो है वाटर का प्रेशर यहाँ पर अप्लाई होगा. ठीक है, प्रेशर इन वाटर. तो अब आपके पास जो प्रेशर अंडर वाटर होगा उसके लिए आप फॉर्मूला यूज करोगे, रॉ जी एच करते हैं बेसिकली. ठीक है, या आप डेंसिटी का अगर कॉन्सेप्ट लेते हो तो यहाँ पर डेंसिटी भी जो गिवेन है वो वाटर की डेंसिटी है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. और अब आप यहाँ पर जो फॉर्मूला यूज करोगे, डेंसिटी ऑफ बॉल इज इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ वाटर. अच्छा, वाटर की डेंसिटी गिवेन है डायरेक्ट 1, क्योंकि जब ये इसमें सिंक हो गया इसका मतलब है दोनों की डेंसिटी बराबर हो गई. ठीक है, और बॉल का जो होगा मास अपॉन वॉल्यूम है बेसिकली. तो अब हम यहाँ पर मास फाइंड आउट कर रहे हैं. ठीक है, तो मास फाइंड आउट करने के लिए आपके पास यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी, अब ये वॉल्यूम था. ठीक है, अब यहाँ पे मास अननोन है, मास अननोन है, वॉल्यूम यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मास इज इक्वल्स टू वॉल्यूम. ठीक है, और वॉल्यूम की यहाँ पर वैल्यू गिवेन है 20 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि जब बॉल के अंदर वाटर फिल हो गया तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि अब टोटल मास कितना है, तो मास इज इक्वल्स टू वॉल्यूम और वॉल्यूम इक्वल है 20 सेंटीमीटर क्यूब के. इसका मतलब है मास भी इक्वल हो गया 20 ग्राम्स के. अब ये जो 20 ग्राम्स आया टोटल, ये वाटर प्लस बॉल का मास है कंबाइन. और आपको चाहिए सिर्फ वाटर का मास, तो वाटर के मास के लिए हम क्या करेंगे, बॉल के मास से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे. तो मास ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू 20 माइनस 4, तो 16 ग्राम्स ऑफ वाटर जो है वो बॉल के उसमें एड अप हो जाएगा. ठीक है, तो बस डेंसिटी से रेफरेंस लेना है कि दोनों की डेंसिटी सेम हो जाएगी, और डेंसिटी सेम होने का मतलब है वाटर की डेंसिटी 1 गिवेन है,
ठीक है, मास अपॉन वॉल्यूम का रेशियो यानी 1 के इक्वल आना चाहिए, जिसमें से हमें मास पता नहीं है, वॉल्यूम की बात हमें पता है कि इसका वॉल्यूम कितना है, 20। तो जब बॉल का वॉल्यूम 20 है तो उसमें लिक्विड भी उतना ही फिल होगा, क्योंकि उन्होंने यहाँ लिखा हुआ है कि विदाउट चेंजिंग द वॉल्यूम। तो 20 सेंटीमीटर क्यूब में 20 सेंटीमीटर क्यूब का ही वॉल्यूम फिल होगा। तो ये बस इसमें आइडिया था, ऑप्शन बी। नंबर 5, अ सैटेलाइट ऑर्बिट्स द अर्थ एट कांस्टेंट स्पीड इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, व्हिच स्टेटमेंट इज करेक्ट? बी बी। अच्छा, सबसे पहले तो उन्होंने कहा है कि रिजल्टेंट फोर्स ऑन द सैटेलाइट इज जीरो, ठीक है, ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि जब भी सर्कुलर मोशन होती है, उन्होंने लिखा है कांस्टेंट स्पीड इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, तो सर्कुलर मोशन के बारे में सबको पता है कि कांस्टेंट स्पीड तो होती है लेकिन डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज होती है, जिसकी वजह से एक्सेलरेशन आती है, और एक्सेलरेशन की वजह से फिर रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू भी आपको मिलती है, जिसे हम कहते हैं सेंट्रिपेटल फोर्स, और वो हमेशा टूवर्ड्स दी सी सी द रिजल्टेंट फोर्स इज अवे, नहीं, टूवर्ड्स द सेंटर होती है। मैं वही लिख रहा हूँ कि जो सर्कुलर मोशन जब हम करते हैं स्ट्रिंग के साथ, आप स्टोन बांध के उसे सर्कुलर मूव करवाओ, तो जो सेंट्रिपिटल फोर्स होगी वो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल होती है। कैन एक्सप्लेन अगेन प्लीज. ओके, टुवर्ड्स द सेंटर का रेफरेंस इस तरह से होता है कि लेट सपोज आपने स्ट्रिंग के साथ एक स्टोन को कनेक्ट किया, और अब आप इसे एक सर्कुलर पाथ में मूव करवा रहे हो, ठीक है, और आप इसमें यू टर्न की भी एग्जांपल ले सकते हो, जिस तरह कार या बाइक रेस में वो बहुत शार्प टर्न पे टर्न करते हैं, ठीक है, तो एक फोर्स होती है जो उन्हें सेंटर की तरफ या उस कर्व की तरफ जो है वो रिजल्टेंट फोर्स उस पर अप्लाई करती है हमेशा। तो सर्कुलर मोशन जब भी होता है या कर्व में जब भी मोशन होती है, तो उसमें रिजल्टेंट फोर्स जो एक्ट करती है वो टुवर्ड्स द सेंटर एक्ट करती है सर्कुलर मोशन में। इसमें हमारे पास बहुत ज्यादा अभी डिटेल ऐड नहीं है, ठीक है, तो इसलिए हम इसको बस टू द पॉइंट नॉलेज बेस अभी डिस्कस करते हैं, इसमें सारी फोर्सेस की डायग्राम अभी इम्पोर्टेंट नहीं है, इसमें बस ये कॉन्सेप्ट होता है कि हर पॉइंट पर आप टेंजेंट ड्रॉ करके देखोगे तो वेलोसिटी स्पीड तो कॉन्स्टेंट है लेकिन वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है हर पॉइंट पे, इसकी वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है, जिसको हम सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं, और जब सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी उसके रिजल्ट में आपको फोर्स भी मिलेगी, और वो फोर्स और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल होगी, ठीक है, और ये जो टेंजेंट डायरेक्शन है ये वेलोसिटी के लिए डायरेक्शन है, ठीक है। थैंक यू सर, अंडरस्टूड. तो वो सेंट्रिपिटल फोर्स का ही कॉन्सेप्ट बस यहाँ पर यूज करना है, क्योंकि अर्थ उसे अट्रैक्ट करके रखेगी, जिसकी वजह से रिजल्टेंट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर होगी यानी टुवर्ड्स द अर्थ। और नंबर 4 में आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं एग्जैक्टली सेम, और फोर्सेस डायग्राम आपके पास शो की है, इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करना है कि कहाँ आपको इक्विलिब्रियम में बॉडी नजर आ रही है, फोर्सेस सब गिवन है। ऑप्शन ए में ऊपर 20 अप्लाई हो रहा है, नीचे भी 20 अप्लाई हो रही है, ऑप्शन बी में जो है वो इक्विलिब्रियम, अगेन इक्विलिब्रियम में आपने याद रखना है कि सम ऑफ ऑल फोर्सेस भी जीरो होनी चाहिए और सम ऑफ ऑल मोमेंट्स भी जीरो होना चाहिए, तो दोनों चीजों को चेक करना है आपने। ए में प्रॉब्लम क्या है इज कि डी अच्छा ए में आपके पास प्रॉब्लम क्या है, आपने बताया ऑप्शन डी, अच्छा ए में बस ये है कि इसमें मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन ये वाली जो फोर्स है ना ये एक एंड पे अप्लाई हो रही है, और आपको पता है जब एक एंड से अप्लाई कर रहे हैं तो ये यहाँ से रोटेट हो जाएगा, तो इसमें मोमेंट जीरो नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन ए पॉसिबल नहीं है। ऑप्शन बी में तो नंबर मैग्नीट्यूड ही बैलेंस नहीं हो रहे, ठीक है, और ऑप्शन सी में यहाँ पर फोर्स मिसिंग है बैलेंस के लिए, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, क्योंकि इसमें जो 20 न्यूटन है वो सेंटर में है, तो दोनों साइड वो इक्वली बैलेंस कर लेगी, जिसकी वजह से इसमें रोटेशन भी नहीं होगी और सम ऑफ ऑल फोर्सेस जीरो भी हो जाएगा, ठीक है, तो ऑप्शन डी।
नंबर सेवन, अ रिजल्टेंट फोर्स एक्सेलरेट्स अ कार ऑफ मास एम अलोंग अ स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल रोड फ्रॉम रेस्ट टू स्पीड वी। अच्छा, एक फोर्स है एफ और मास एम, स्पीड वी, और इनिशियली रेस्ट में थी कार, टाइम टी, और मोमेंटम पी। विच पेयर ऑफ रिलेशनशिप्स फॉर दिस सिचुएशन इज करेक्ट? ठीक पी पी इज इक्वल्स टू एम वी एंड एफ टी इज इक्वल्स टू पी। ठीक है, तो ऑप्शन ए आप देखो तो ऑप्शन ए में उन्होंने एम वी और पी टी लिखा है, तो ऐसा कोई हमारे पास मतलब ये वाला लिंक तो नहीं बनता। एम वी चलो बन जाता है, एफ इज इक्वल्स टू पी टी भी नहीं बनता। ठीक है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल गलत है। बी ऑप्शन पी इज इक्वल्स टू एम वी एफ इज इक्वल्स टू, ये वाला रिलेशन गलत बना हुआ है। ये फोर्स इक्वल होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के, मल्टीप्लाई नहीं होती। ऑप्शन सी करेक्ट है, पी इज इक्वल्स टू एम वी एफ टी इज इक्वल्स टू पी, ये बिल्कुल सही है। डी में एम वी टी कर दिया और फिर से आपके पास डी का लिंक जो है वो गलत है, तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट फॉर्मूला है दोनों के लिए। क्वेश्चन नंबर एट, द डायग्राम शोज पार्ट ऑफ द रोलर कोस्टर राइड विद द कार एट डिफरेंट पोजीशंस। कार जो है वो डिफरेंट पोजीशंस पे, द कार रन्स फ्रीली डाउन फ्रॉम सर पोजीशन। सर पिछले वाले की लॉजिक समझा दे। अच्छा, इसमें बस ना आपने फॉर्मूलाज को चेक करना है। बेसिकली आपने मोमेंटम का फॉर्मूला पढ़ा है, मोमेंटम इक्वल होता है एम बी। ठीक है, ये लिंक समझ आता है। और फोर्स का जो एक और फॉर्मूला हमने किया था रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो उसका ये फॉर्मूला बनता है। ठीक है, नेक्स्ट, उसके अलावा आप फॉर्मूला देखो तो इम्पल्स का एक फॉर्मूला होता है एफ इंटू टी, और अगर आप इम्पल्स नहीं गिवन लेट सपोज, सो एफ इंटू टी को हम इक्वल कर सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। ठीक है, यानी आप एफ टी को एम वी माइनस यू भी लिख सकते हो। तो ये इतने सारे जो लिंक्स हमने लिखे हैं ये वैलिड हैं, ये फॉर्मूलाज जो है वैलिड है, ये हम यूज भी कर चुके हैं थ्योरी में और इन सब के बारे में मतलब हमने पढ़ा है। इसके अलावा अब आप लिंक्स देखो जो आपको एक इसमें ऑप्शंस में गिवेन है, तो उसमें कुछ लिंक्स ऐसे हैं कि जो सही नहीं है। जैसे एफ इज इक्वल्स टू पी टी वाला आप देखो, ये पी ओवर टी है, पी इंटू टी नहीं है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है। इसी तरह से यहाँ भी पी टी बना दिया जबकि बन ही नहीं सकता, किसी में भी नहीं बन रहा ऐसा। तो बस ये प्रॉब्लम है इनमें, कि जो इन्होंने फॉर्मूलाज लिख कर दिए आपको वो गलत है, तो बस उसको आपने एग्जैक्टली सही आइडेंटिफाई करना है। और अब बाकी एट में हम देख रहे थे, इसमें डिफरेंट पोजीशंस गिवन है जिसमें कार जो है वो रन फ्रीली डाउन फ्रॉम पोजीशन एक्स टू पोजीशन वाई। पोजीशन एक्स टॉप पर है, पोजीशन वाई यहाँ डाउन है, और व्हाट हैपेंस टू द एनर्जी इन काइनेटिक स्टोर एंड द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर ऑफ द कार एज इट मूव्स फ्रॉम पोजिशन एक्स टू पोजिशन वाई। तो जब वो एक्स से वाई की तरफ मूव करेगी तो क्या क्या चेंजेस आएगी, ये आपने आइडेंटिफाई करनी है। तो एक्स पोजिशन पर तो आपको क्लियर है कि बॉडी बिल्कुल मैक्सिमम हाइट पर है, तो वहां पर तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ही होनी चाहिए। और जब कार फ्रीली मूव करेगी डाउनवर्ड्स, पोजीशन वाई की तरफ, और उसके बाद फिर जाएगी ऊपर की तरफ, तो सिंपल सी बात है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी काइनेटिक में। ठीक है, और बिल्कुल वाई पर आकर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी।
और सेंटर में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो रही होगी काइनेटिक में, यानी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिक्रीज हो रही होगी और काइनेटिक इंक्रीज हो रही होगी, और बिल्कुल डाउनवर्ड आते आते काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी और उसके बाद फिर से काइनेटिक कन्वर्ट होने शुरू हो जाएगी पोटेंशियल में। तो ये पार्ट तो इजी है, इंक्रीजेस काइनेटिक एनर्जी और डिक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अ बॉक्स इज इनिशियली एट रेस्ट एट द टॉप ऑफ द रफ स्लोप। एक बॉक्स है जो कि रेस्ट स्टेट में और इस रफ स्लोप के ऊपर रखा हुआ है, उसके बाद वो स्लाइड डाउन करता है, वेट उसका 20 है, 4 मीटर लॉन्ग 2 मीटर हाई स्लोप है, जैसे कि डायग्राम में आप देख सकते हो। 10 जूल्स का वर्क किया अगेंस्ट फ्रिक्शन, वट इज द स्पीड ऑफ द बॉक्स एज इट रीच द बॉटम ऑफ द स्लोप। तो जब वो बॉटम पे आएगा तो उस वक्त उसकी स्पीड क्या होगी, ये आपने आइडेंटिफाई करनी है। ठीक है, बॉक्स यहाँ पर रखा हुआ है, यहाँ से वो स्लाइड करेगा और अब आपने उसकी स्पीड फाइंड आउट करनी है। अब पहले क्वांटिटीज देखते हैं हमारे पास क्या क्या गिवन है। क्वांटिटीज कुछ इतनी ज्यादा भी गिवन नहीं है, बस हमें ये पता है कि 10 जूल्स ऑफ वर्क डन है और हाइट और लेंथ पता है, फोर्स पता है एक तरह की, या वेट हम इसको लिखते हैं, और इनिशियली रेस्ट का मतलब है इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। और यहाँ पर एक चीज आपको और कंफर्म है कि टॉप पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। ठीक है, ये क्वांटिटी मैक्सिमम है, इनिशियल वेलोसिटी 0 क्योंकि बॉडी रेस्ट में है। और हम मास फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर मास की हमें नीड पड़ जाती है तो हम इससे मास फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, अब इसके बाद होगा ये कि अब इस पूरे सिनेरियो में हमें स्पीड के लिए कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नजर नहीं आ रहा वैसे तो, कि जिससे हम डायरेक्ट कर सकें। अब हमें बस इतना पता है कि काइनेटिक एनर्जी में वेलोसिटी आती है, क्योंकि हाइट पर रखा है बॉक्स, जब डाउनवर्ड आएगा तो वो अगेन काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी एनर्जी, उससे हम आइडिया ले सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत सिंपल सा आपने कॉन्सेप्ट यूज करना है कि जितनी भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो कन्वर्ट होगी काइनेटिक एनर्जी में, प्लस कुछ वर्क डन होगा अगेंस्ट फ्रिक्शन उसमें। ठीक है, उन्होंने भी आपको लिख कर दिया कि 10 जूल्स ऑफ वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन जो है वो डाउनवर्ड आते हुए हो चुका है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल होती है एम जी एच के इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। वर्क डन की वैल्यू गिवेन है 10 जूल्स, वो हम 10 ले सकते हैं। एम जी का मतलब है वेट, सो वेट ऑलरेडी गिवेन है 20 और हाइट गिवेन है 2 मीटर्स की, हाइट आगे 2 मीटर्स की इज इक्वल्स टू 1/2 मास। ट्वेंटी डिवाइड बाय 9.8 और वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस 10, तो ये 40 हो जाएगा और 10 वहां जाकर माइनस हो जाएगा, 40 माइनस 10 इज इक्वल्स टू, अच्छा 2 को भी हम बाद में मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, तो वो हम देखते हैं अभी। ये 2 1 2 2 10 20 हो जाएगा और 10 डिवाइड बाय 9.8 करना पड़ेगा हमें, 10 डिवाइड बाय 9.8 1.02।
वी स्क्वायर थर्टी डिवाइडेड बाय 1.02 करेंगे और उसका अंडर रूट भी साथ कर लेंगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। फाइव पॉइंट फोर टू 5.42 इसका मतलब है ऑप्शन ए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस तरह से होगा। ठीक है, इसमें कोई फॉर्मूला मतलब ऐसा नहीं था जो स्पीड एक्सेलरेशन वगैरह से लिंक हो, कोई क्वांटिटी भी ऐसी गिवन ही नहीं थी कि जिसको हम यूज कर सकते, तो फिर हमने उसी एनर्जी वाले आइडिया को यूज किया। नंबर 10, एन इलेक्ट्रिक कार इज चार्ज ओवरनाइट इन 8 आवर्स, 180 मेगा जूल्स ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफर्स, व्हाट इज द पावर ऑफ द चार्जर। पावर फाइंड आउट करनी है, एनर्जी गिवेन है, टाइम गिवेन है, सिंपल आप पावर का फॉर्मूला लगा लोगे। पावर इज इक्वल्स टू रेट ऑफ डूइंग वर्क या रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पर एनर्जी गिवेन है 180 मेगा मींस 10 पावर 6, और टाइम गिवेन है 8 आवर्स। 8 आवर्स का मतलब है इसको सेकंड्स में लेकर जाना है, 1 आवर में 60 मिनट्स, 1 मिनट में 60 सेकंड्स। सो 180 एक्सपोनेंट 6 डिवाइडेड बाय इन सब का प्रोडक्ट तो 6250 आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि 6.3 किलोवाट के करीब है आंसर, यानी इसको राउंड ऑफ करके 6300 बनाएंगे या 6.3 थाउजेंड भी आप कह सकते हो। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10, 11। एन ऑब्जेक्ट इज अ डेप्थ एच बिलो द सरफेस ऑफ अ लिक्विड, द प्रेशर ड्यू टू द लिक्विड एट दिस डेप्थ इज ओके, द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इज स्मॉल जी, व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। अच्छा, सिर्फ फॉर्मूला ड्राइव करके दिखाना है कि कौन सा फॉर्मूला एग्जैक्ट सही बनेगा। तो फॉर्मूला होता है प्रेशर इन लिक्विड इज इक्वल्स टू रो जी एच, तो डेंसिटी इक्वल हो जाएगी प्रेशर ओवर जी एच, यानी ऑप्शन डी। ठीक है, तो बस इसमें फॉर्मूला को डेंसिटी सब्जेक्ट बनाना था और ये आपके पास ड्राइव हो गया। अच्छा, इस पेपर में जो है वो इस वेरिएंट में सिर्फ 11 क्वेश्चंस दिए उन्होंने जर्नल से, 13 नहीं दिए इसके बाद, क्योंकि आप देखो ब्राउनियन मोशन यानी थर्मल का सेक्शन स्टार्ट हो गया। और नंबर 12, ठीक है, नंबर 12 का आपने कहा सी। रैंडम मोशन ऑफ द पार्टिकल्स इन विच स्टेट ऑफ मैटर इज ब्राउनियन मोशन ऑब्जर्व। अब इसमें आपको पता है कि सॉलिड के पार्टिकल्स तो टाइटली पैक्ड होते हैं, ठीक है, तो उसमें तो रैंडम मोशन हो नहीं सकती, तो रैंडम मोशन जो है वो सिर्फ गैसेस और लिक्विड्स में ही होगी। द वॉल्यूम ऑफ अ फिक्स्ड मास ऑफ गैस इज वेरीड, वॉल्यूम चेंज हो रहा है
टेम्परेचर कांस्टेंट है, यानी इस प्रेशर में चेंज आएगा, ठीक है। विच ग्राफ शोज हाउ द प्रेशर ऑफ द गैस वेरीज विद वी, यानी वॉल्यूम। ऑप्शन डी, ओके। तो बेसिकली अब ऑप्शन ए में लिखा हुआ है, मतलब जो ग्राफ ड्रॉ किया है उसमें दिखा रहे हैं कि प्रेशर जो है वो कॉन्स्टेंटली चल रहा है और वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है, ठीक है। जबकि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि बॉयल्स लॉ हमने देखा था कि बॉयल्स लॉ होता है पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी अगर टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है तो। ये वही कंडीशन गिवेन है कि प्रेशर जो है वो सॉरी टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है तो प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा वी के। इसलिए आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखो कि प्रेशर और 1/v का ग्राफ बनाया है। अब आप बी में देखो तो ग्राफ जो बी है इसमें दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए, ठीक है। हालांकि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होते। और ऑप्शन ए में अगर आप देखो तो प्रेशर जो है वो सेम शो कर रहा है, ठीक है, तो ये भी गलत है। और सी में भी सेम यही कॉन्सेप्ट है, प्रेशर सेम है और 1/v लिख दिया बस उन्होंने, तो सी भी पॉसिबल नहीं है। डी ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर 1/v है और यहाँ पर पी है, तो पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/v के, या आप इसको बोल सकते हो प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के, ठीक है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन डी बिल्कुल सही है। नंबर 14, लिक्विड एवोपरेट्स फ्रॉम अ बीकर, व्हाट हैपेंस टू द टेम्परेचर ऑफ द रिमेनिंग लिक्विड एंड हाउ डज दिस टेम्परेचर चेंज अफेक्ट द रेट ऑफ एवोपरेशन। सो लिक्विड एवोपरेट हो रहा है फ्रॉम बीकर, व्हाट हैपेंस टू द टेम्परेचर, टेम्परेचर तो डिक्रीज होता है एवोपरेशन के बाद, ठीक है, तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा ये तो हमें पता है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स की एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी, हाई एनर्जेटिक लीव कर जाएंगे, एंड द रेट ऑफ एवोपरेशन, और रेट ऑफ एवोपरेशन भी स्लो हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हाई एनर्जेटिक मॉलिक्यूल्स जब लीव कर जाएंगे तो सिर्फ लेस एनर्जेटिक मॉलिक्यूल्स बाकी रह जाएंगे। सर ए, फिर ऑप्शन ए होगा। ऑप्शन ए होगा, लेस एनर्जेटिक मॉलिक्यूल्स लेफ्ट। जिनकी एनर्जी भी कम होगी और इनका टेम्परेचर भी लो होगा, इसका मतलब है ऑप्शन ए। फिफ्टीन, थर्मल एनर्जी डेल्टा ई इज सप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम विच डज नॉट चेंज इट्स स्टेट ड्यूरिंग द हीटिंग प्रोसेस, द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट राइजेस बाय डेल्टा टी, व्हाट इज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। अच्छा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपने बतानी है, तो वैसे तो ईजी है, ए ऑप्शन ए, बस आपने डेफिनेशन को हाईलाइट करना है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही, ठीक है, सो डेफिनेशन को आपने हाईलाइट करना है इसमें से। ऑप्शन ए में आपके पास स्पेसिफिक हीट का इक्वेशन मेंशन है। नंबर 16, अ रूम इज हीटेड बाय अ रेडिएटर, द डायग्राम्स एक्स एंड वाई शो टू पॉसिबल सर्कुलेशंस। अच्छा, हॉट एयर की सर्कुलेशंस दिखाई है, ऑप्शन ए, ठीक है, चेक कर लेते हैं हम। तो वैसे ये रिपीटेड ही है, ये उस वाले वेरिएंट में भी था। तो हॉट एयर यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर रेडिएटर लगा हुआ है, और दूसरे एंड से जो कोल्ड एयर है वो डाउनवर्ड आ जाएगी, क्योंकि वहाँ पर कोई रेडिएटर नहीं लगा हुआ, तो यहाँ का टेम्परेचर लो होगा। तो जिसका टेम्परेचर हाई होता है उसकी डेंसिटी लो होती है, ठीक है।
और जिसका टेम्परेचर लो होता है उसकी डेंसिटी हाई होती है। हाँ और दूसरी साइड पर भी सीलिंग है, फ्लोर है, रेडिएटर है, बस उसमें डायरेक्शन गलत बनाई हुई है। ठीक है, इसमें ये वाली डायरेक्शन गलत है। तो विच डायग्राम एंड रीजन एक्सप्लेन द हीटिंग ऑफ द रूम बाय कन्वेक्शन। तो एक्स वाली जो डायग्राम है वो सही है, एयर डेंसिटी डिक्रीजेस व्हेन एयर इज हीटेड। ठीक है, तो सिंपल सा आइडिया है। अच्छा, 16 के बाद क्वेश्चन नंबर 17 जो है, अब वेव्स का सेक्शन स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो अब वेव सेक्शन में देखते हैं। सबसे पहले अ स्टूडेंट राइट्स डाउन सम फैक्ट्स अबाउट टू ट्रांसवर्स वेव्स। ठीक है, दो ट्रांसवर्स वेव्स हैं और वेव वन हैज फ्रीक्वेंसी ऑफ एफ एंड वेलोसिटी वी। ठीक है, और वेव टू के बारे में लिखा है 4 टाइम्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव वन एंड इज ट्रेवलिंग एट वेलोसिटी 2 टाइम्स वेलोसिटी भी है। सो व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ वेव टू इन टर्म्स ऑफ एफ एंड वी। तो एफ और वी के टर्म्स में आपने ये एक्सप्लेन करना है कि फाइनल जो है वो वेवलेंथ क्या बनेगा। अब ये तो आपको पता है कि स्पीड के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं, वी इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी और वेलोसिटी फर्स्ट वाले के लिए सेम है और सेकंड वाले के लिए डिफरेंट हो गई। ठीक है, फर्स्ट वाली के लिए सेम है, वेव वन की फ्रीक्वेंसी एफ है और वेलोसिटी वी, सेकंड वाले की डिफरेंट हो गई, 4 टाइम्स फ्रीक्वेंसी हो गई और 2 टाइम्स उसकी वेलोसिटी हो गई। तो अब हमने पहले वेवलेंथ के लिए फॉर्मूला शिफ्ट करना है। वेवलेंथ इज इक्वल्स टू वी ओवर फ्रीक्वेंसी। अब स्पीड जो है वो 2 टाइम्स इंक्रीज हुई है, तो न्यू स्पीड होगी 2 टाइम्स वी, फ्रीक्वेंसी 4 टाइम्स इंक्रीज हुई है तो 4 टाइम्स एफ। कैंसल आउट करेंगे तो फाइनल आंसर आपको मिल रहा है 1/2, यानी वी ओवर 2 एफ, ऑप्शन डी। ठीक है, सिंपल था। और 18 स्ट्रेट वेव फ्रंट्स ऑन द सर्फेस ऑफ अ रिपल टैंक अप्रोचेज द गैप इन अ बैरियर। द डायग्राम शोज द वेव फ्रंट चेंजेस शेप एज दे पास थ्रू द गैप। नेम ऑफ दिस इफेक्ट बहुत सिंपल है। डायफ्रेक्शन। ठीक है, क्योंकि एजेस के थ्रू आप पास हो रही है वेव्स, तो सिंपल डायफ्रेक्शन। लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम एयर इनटू ग्लास। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन ऑफ द ग्लास एंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो फॉर्मूला आपने आइडेंटिफाई करना है, कंडीशन लाजमी देख लेना, ऑप्शन सी। ओके, कि एयर से ग्लास में जा रहे हैं, यानी रेयर टू डेंस में जा रहे हैं, तो जब रेयर टू डेंस में जाते हैं तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो ग्रेटर होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से। तो ग्रेटर एंगल ऊपर आएगा तो एन इज इक्वल्स टू आई ऊपर होगा और रिफ्रैक्शन जो है वो डिनोमिनेटर में आएगा। ऑप्शन सी। और विच डायग्राम शोज द इमेज करेक्टली फॉर्म बाय रिफ्लेक्शन। इसमें से कौन सी रिफ्लेक्शन की हेल्प से जो डायग्राम बनी है वो बिल्कुल एग्जैक्टली सही बनी है। अच्छा, डी ऑप्शन डी। ऑप्शन ए में प्रॉब्लम ये कि उसमें तो एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट बन गई, ऐसा तो नहीं होता मिरर में। हमने पढ़ा था लेटरली इन्वर्टेड होती है, तो
तो इसकी जो राइट साइड है वो आपको लेफ्ट पे नजर आ रही है, ठीक है, और अपराइट तो होती है बिल्कुल। अब सी में इन्होंने क्या किया, इन्वर्टेड कर दिया। बी में भी क्या किया है कि रिफ्लेक्ट भी करवा दिया और इन्वर्टेड भी करवा दिया, और डिस्टेंस भी जो है वो उनका डिफरेंट हो गया, यहाँ से ये क्लोज आ गए, यहाँ से ये दूर चली गई, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंगली ऑप्शन डी बिल्कुल एग्जैक्ट होगा, क्योंकि इसमें लेटरली इन्वर्टेड शो किया हुआ है और अपराइट भी है। ओके, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 21। पैरेलल रेज ऑफ लाइट थ्रू फोर डिफरेंट कन्वर्जिंग लेंसेज, ही मेजर्स द डिस्टेंस एक्स एंड डिस्टेंस वाई फॉर ईच एक्सपेरिमेंट। एक्स और वाई मेजर किया है, एक्स जो है वो हाइट है बेसिकली ऑब्जेक्ट की, और वाई जो है वो डिस्टेंस होगा इमेज का, कि इमेज कहाँ बन रही है। विच लेंस हैज द लॉन्गेस्ट फोकल लेंथ, अब लॉन्गेस्ट फोकल लेंथ किसकी होगी, ये बेसिकली जो वाई लिखा हुआ है ना, ये वाई फोकल लेंथ ही है, क्योंकि लेंथ से लेकर जो है वो इंटरसेक्शन पॉइंट जब पैरेलल लाइंस जो है वो बेंड होकर पास होती हैं, तो वो फोकल लेंथ से ही पास होती है, प्रिंसिपल फोकस से पास होती हैं, और उस डिस्टेंस को हम कहते हैं फोकल लेंथ। तो ये बेसिकली फोकल लेंथ है वाई। तो सिंपल आपको वाई देखकर ही पता चल जाएगा, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, क्योंकि फोकल लेंथ का कोई फॉर्मूला नहीं है, इसमें सोचना नहीं है कि फॉर्मूला कौन सा लगेगा, इसमें फॉर्मूला कोई भी नहीं लगेगा, क्योंकि इसका फॉर्मूला है ही नहीं फोकल लेंथ का। आपने भाई ये देखना था कि फोकल लेंथ एक्चुअली बोलते किसे हैं, वाई को फोकल लेंथ कहते हैं, ठीक है, ये हमारे पास फोकल लेंथ गिवन है एक्चुअली, तो बस आपने लॉन्गेस्ट फोकल लेंथ को टिक करना है आंसर में, लॉन्गेस्ट थियरी 3.1, ठीक है, इसको देखकर हमने टिक करना है, एक्स को नहीं। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22। फ्रीक्वेंसी ऑफ द माइक्रोवेव यूज्ड इन माइक्रोवेव अवन इज 2400 MHz, ठीक है, फ्रीक्वेंसी गिवेन है और वेवलेंथ ऑफ दीज माइक्रोवेव्स आपने फाइंड आउट करनी है। इजी है, थ्योरी में भी बहुत बार किया है। स्पीड आपको स्पीड ऑफ लाइट यूज करनी पड़ती है, बस ये यूनिट्स दे देते हैं आपको प्रीफिक्स के साथ, और लैम्डा इज इक्वल्स टू, स्पीड ऑफ लाइट को डिवाइड कर लेते हैं 3 एक्सपोनेंट 8 डिवाइडेड बाय 2400 एक्सपोनेंट 6 0.125, ऑप्शन ए। विच रॉ गिव्स टिपिकल वैल्यूज फॉर द स्पीड ऑफ साउंड इन अ सॉलिड एंड इन अ गैस। स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड, स्पीड ऑफ साउंड इन गैस को टिपिकल वैल्यूज आइडेंटिफाई करनी है। तो सॉलिड में जो है वो सबसे हाईएस्ट होती है 3000, और गैस में जो है वो सबसे मतलब लोएस्ट होती है, तो ऑप्शन डी। इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट स्टार्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 24। अ हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल कैन बी यूज टू मेक अ परमानेंट मैग्नेट, अ सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल कैन बी यूज टू मेक अ टेम्परेरी मैग्नेट, विच रॉ शोज, ठीक है, इसमें भी आपने जो है वो आयरन और स्टील की प्रॉपर्टी को टिक करना है। तो आयरन जो है वो सॉफ्ट यूज किया जाता है, ठीक है, क्योंकि उसे टेम्परेरी में यूज करते हैं हम, और स्टील जो होता है वो आपके पास हार्ड होता है, क्योंकि उसको परमानेंट में यूज करना होता है।
आयरन सॉफ्ट, स्टील हार्ड, ठीक है, ये हमने डिफरेंस पढ़ा हुआ है तो इसमें कोई इतना प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ट्वेंटी फाइव, अ पावर सोर्स इज कनेक्टेड टू रेजिस्टर एक्स वाई, पावर सोर्स कनेक्टेड है, इन विच डायरेक्शन आर दी कन्वेंशनल करंट एंड फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स थ्रू दी रेजिस्टर। कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन बतानी है कहाँ से कहाँ तक होगी, और फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बताना है कि वो कहाँ से कहाँ तक होंगे, ठीक है। तो कन्वेंशनल की अगर बात करें तो वो तो पॉजिटिव से जाएगा ऊपर की तरफ, यानी पहले यहाँ से गया और वाई टू एक्स, वाई टू एक्स कन्वेंशनल, और इलेक्ट्रॉन जो होगा वो ऑपोजिट आएगा। तो इलेक्ट्रॉन फ्लो आ रहा है फ्रॉम एक्स टिल वाई, और कन्वेंशनल जा रहा है फ्रॉम वाई टू एक्स। ऑप्शन सी, विच यूनिट इज यूज टू मेजर ईएमएफ, ये भी बहुत इजी है। Once again, sir, can you go back up and explain once again, please? बेसिकली इन क्वेश्चन नंबर 25 यू हैव टू आइडेंटिफाई द डायरेक्शन ऑफ द कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल करंट यूजली फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव एंड, द नॉर्मल डायरेक्शन ऑफ द करंट। एंड व्हेन दे आर आस्किंग अबाउट फ्री इलेक्ट्रॉन्स, सो बेसिकली द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। सो व्हेन करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, सो यू कैन सी फर्स्ट इट पासिस फ्रॉम वाई एंड देन टू दी एक्स। सो कन्वेंशनल इज विद मार्क विद द रेड लाइन्स। एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रॉन फ्लो, सो इलेक्ट्रॉन फ्लो विल स्टार्ट फ्रॉम द नेगेटिव साइड फ्रॉम दिस डायरेक्शन, सो फ्रॉम फर्स्ट एक्स देन इट विल मूव टूवर्ड्स वाई। तो इस तरह से जो है ये इलेक्ट्रॉन फ्लो एक्स टू वाई जाएगा, और कन्वेंशनल जो है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव वाई टू एक्स जाएगा, ठीक है। Thank you, sir. Understood. अच्छा, ईएमएफ बहुत सिंपल है, वोल्ट्स यूज करते हैं इसके लिए। पोटेंशियल डिफरेंस हो चाहे ईएमएफ हो, दोनों का ऐसा यूनिट सेम होता है, ठीक है, तो इसमें तो कोई मुश्किल नहीं है। 27, द ग्राफ शोज द करंट वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉर अ फिलामेंट लैम्प। फिलामेंट लैम्प की बात हो रही है, फिलामेंट में आपको पता है रेजिस्टेंस और वोल्टेज, सॉरी रेजिस्टेंस और टेम्परेचर डायरेक्टली होते हैं। सो हाउ द रेजिस्टेंस ऑफ द लैम्प चेंजेस एज वोल्टेज इंक्रीजेस, ठीक है। तो रेजिस्टेंस और वोल्टेज के बारे में वो आपसे पूछ रहे हैं। तो नॉर्मली फिलामेंट में क्या होता है कि टेम्परेचर अगर इंक्रीज हो जाए तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। और इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी आपके सामने ही है। तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होने का मतलब ये कि रेजिस्टेंस इंक्रीज होने के साथ वोल्टेज भी इंक्रीज हो रहा है, और करंट आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो पहले आपने टेम्परेचर इंक्रीज का लिखा, क्योंकि पहले फिलामेंट जो है वो हीट अप होता है, हीट अप होने की वजह से उसका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, और डेफिनेटली जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस ऑटोमेटिक इंक्रीज होती है, और रेजिस्टेंस और वोल्टेज जो है वो डायरेक्टली लिंक होते हैं, और करंट जो होगा वो इन्वर्सली लिंक होने की वजह से कम होना शुरू हो जाएगा। तो अब ऑप्शंस देखते हैं, द रेजिस्टेंस डिक्रीजेस टू जीरो, ये तो गलत है, बट नॉट जीरो, डिक्रीज होगा ही नहीं, वो तो इंक्रीज हो रहा है। रेजिस्टेंस इंक्रीजेस, ये हो सकता है, द रेजिस्टेंस रिमेंस कांस्टेंट, ये भी सही नहीं है, ठीक है। तो इजी है ये भी।
28 इन डायग्राम, रॉड पी सॉरी रॉड आर इज सस्पेंडेड फ्रॉम एन इंसुलेटिंग थ्रेड. व्हेन द पॉजिटिवली चार्ज रॉड क्यू इज ब्रॉट क्लोज टू रॉड आर एंड रॉड आर मूव्स अवे फ्रॉम रॉड क्यू, विच कंक्लूजन कैन बी मेड फ्रॉम दिस ऑब्जर्वेशन? क्यू जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है और जैसे आप उसे आर रॉड के क्लोज लेकर आए, रॉड आर जो है वो इससे दूर मूव करेगी. तो इससे आप क्या कंक्लूड करोगे? दोनों में रिपल्शन हो रही है. बेसिकली रिपल्शन का मतलब ये है कि दोनों पे चार्जेस सेम होंगे क्योंकि सेम चार्जेस ही एक दूसरे को रिपेल करते हैं. तो इसका मतलब है रॉड बी आर बी जो है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है. सॉरी पॉजिटिव बी, तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर देंगे. ट्वेंटी नाइन, सर्किट डायग्राम शोज अ सर्किट यूज टू रन अ डीसी मोटर फैन फ्रॉम एन एसी सप्लाई, विच ग्राफ शोज द करंट इन द मोटर. अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने डायोड्स लगाए हुए हैं चार और कनेक्शन भी थोड़े से मिक्सअप करके बनाए इन्होंने. तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखो कि एसी से जब करंट फ्लो करेगा तो ये वाला जो कॉम्बिनेशन है, एक तो करंट आपके पास फ्लो कर रहा है यहाँ से सीधा सीधा, यहाँ से बिल्कुल सीधा चला जाएगा और वो मोटर तक पहुंचेगा. ठीक है, फिर एक करंट की जो वैल्यू होगी वो अगर डायरेक्शन चेंज होती है तो डायरेक्शन चेंज होने की वजह से यहाँ से भी जाएगा. ठीक है, अब जो बाकी दो बचे हैं ना, इन दोनों में मसला क्या है कि ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है. ठीक है, एक तो ये वाला हो गया और एक ये वाला हो गया, क्योंकि ये रिवर्स लगे हुए हैं, ये आगे करंट को जाने ही नहीं देंगे. ठीक है, इसका मतलब है यहाँ से करंट जीरो हो जाएगा आके, यहाँ पे भी करंट जीरो हो जाएगा आके, क्योंकि आगे फ्लो नहीं होने देंगे. तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको सिर्फ दो जगह से आउटपुट मिल रहा है, एक रेड एरोज जो जा रहे हैं और एक जो ब्लू एरोज जा रहे हैं. ठीक है, एक ये करंट की डायरेक्शन हो गई और एक करंट की डायरेक्शन ये हो जाएगी. अब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस देखते हैं. ये चार हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है करंट के साथ जो है वो रिप्रेजेंट किए. और डायोड का काम क्या होता है कि करंट को एक डायरेक्शन में फ्लो करवाएगा. तो अब बी और ए में क्या है, ए में तो नॉर्मल आपके पास दोनों साइड्स इजीली फ्लो कर रही हैं. ठीक है, बी में जो जो है वो ये दिखाया है कि बी में करंट कांस्टेंट जा रहा है. ठीक है, और सी में क्या दिखाया है कि बीच में आपके पास एक पार्ट मिस हुआ है. और वो क्यों मिस हुआ है, क्योंकि यहाँ पे डायोड यूज कर रहे हैं और डायोड का फंक्शन आप सबको पता है कि वो करंट को सिर्फ एक डायरेक्शन में फ्लो करवाएगा. भले आपने एसी सोर्स ही क्यों ना लगाया, वो उस एसी को एक डायरेक्शन में फ्लो करवाएगा, जिसकी वजह से ऑप्शन सी करेक्ट होगा. ठीक है, क्योंकि इसमें जो ये वाला पार्ट है ना, ये स्किप हो जाएगा क्योंकि डायोड वन डायरेक्शन में करंट को फ्लो करवाता है. ठीक है, ठीक है, इस वजह से ऑप्शन सी.
नंबर 30, द सर्किट शोन कैन बी कंप्लीटेड बाय इंसर्टिंग कंपोनेंट्स एट एक्स एंड वाई. एक्स एंड वाई मिसिंग है, ये भी वैसे रिपीटेड है. द कंपोनेंट सर्किट, द कंप्लीटेड सर्किट इज अ पोटेंशियल डिवाइडर इन विच द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कंपोनेंट वाई इंक्रीजेस व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीजेस. तो टेम्परेचर की बात हो रही है और कंपोनेंट्स आपने बताने कहाँ पर कौन सा कंपोनेंट लगेगा. ठीक है, तो एक्स की जगह पर इन्होंने कहा है कि द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कंपोनेंट वाई इंक्रीजेस. कंपोनेंट वाई के अक्रॉस वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज हो जाएगा यहाँ पर. ठीक है, इसका मतलब ये है कि व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीजेस. तो टेम्परेचर की बात हो रही है तो टेम्परेचर पे तो एक चीज डिपेंड करती है, थर्मिस्टर. ठीक है, तो एक्स की जगह पर हम थर्मिस्टर लगाएंगे. क्योंकि टेम्परेचर थर्मिस्टर का चेंज होगा और फिर वाई की जगह पर जो है वो सिंपल रेजिस्टर लगा होगा जिसका आपको वोल्टेज चेंज होकर मिल जाएगा. ठीक है, तो एक्स की जगह पे थर्मिस्टर और वाई की जगह पर रेजिस्टर, क्योंकि थर्मिस्टर का टेम्परेचर अगर इंक्रीज होता है तो इसकी रेजिस्टेंस डिक्रीज होती है और वोल्टेज भी डिक्रीज होता है, और अगर इसका टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो इसकी रेजिस्टेंस इंक्रीज होती है और वोल्टेज भी इंक्रीज होता है. तो ये कॉन्सेप्ट है. अ पीस ऑफ सॉफ्ट आयरन एक्स वाई हैज अ कॉइल ऑफ वायर और वाउंड राउंड इट. एक मैग्नेट है और मैग्नेट लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जा रहा है. एक कॉइल है, उसके साथ एक सॉफ्ट आयरन कोर है. द नॉर्थ पोल ऑफ अ बार मैग्नेट इज पुल्ड अवे फ्रॉम एंड एक्स विच कॉजेज एन इंड्यूस करंट इन द कॉइल. द मैग्नेट इज नाउ टर्न राउंड सो दैट द नॉर्थ पोल इज ऑन द लेफ्ट. अब नॉर्थ पोल को लेफ्ट पे लिया है. इट इज टेकन टू द अदर एंड ऑफ द सॉफ्ट आयरन एंड नॉर्थ पोल इज पुश्ड टूवर्ड्स एंड वाई. अब इसको दूसरी तरफ रखा, यहाँ पर लाके रखा. ये नॉर्थ आ गया और ये साउथ आ गया और इसके बाद इसे टूवर्ड्स वाई पुश किया. अ न्यू करंट इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल विच स्टेटमेंट इज करेक्ट. ठीक है, अब यहाँ पर मैग्नेट को हम अवे लेकर जा रहे थे. ठीक है, अगेन लेंज लॉ वाला आइडिया. ठीक है, अब क्योंकि ये जा रहा है तो आप इससे मतलब वो पोल प्रोड्यूस होगा जो इसे अट्रैक्ट कर ले, यानी साउथ. ठीक है, और दूसरे एंड की अगर हम बात करें तो दूसरे एंड से अब नॉर्थ पोल यहाँ पर आ रहा है करीब में. ठीक है, तो इसका मतलब है नॉर्थ पोल या इंड्यूस हो जाएगा या वो उसको रिपेल करेगा. ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंगली अब आपने देखना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है. अब ऑप्शन ए अगर हम देखें तो ऑप्शन ए में लिखा हुआ है द न्यू इंड्यूस करंट इज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन एंड कॉजेज द सॉफ्ट आयरन टू अट्रैक्ट द नॉर्थ पोल. सही है, नॉर्थ पोल की अब जो बात कर रहा है ये सॉफ्ट आयरन टू अट्रैक्ट द नॉर्थ पोल. और बी में लिखा है द न्यू इंड्यूस करंट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन एंड कॉजेज द सॉफ्ट आयरन टू रिपेल द नॉर्थ पोल. ठीक है, तो रिपेल वाली बात यहाँ पर सही है क्योंकि यहाँ पर रिपल्जन ही हो रही है. लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन वाला कॉन्सेप्ट जो है वो सही नहीं है. क्यों? अब आपने मैग्नेट की साइड चेंज की है ना, तो
तो आपने उसका पोल भी शफल किया है, तो आपने दोनों चीजों को शफल किया है, ठीक है। आप इसमें जो है वो राइट हैंड रूल अप्लाई करके देखो तो आपको करंट की डायरेक्शन पता चल जाएगी, ठीक है। मतलब आपके पास पहले जो मैग्नेट रखा हुआ था उसका नॉर्थ पोल राइट की तरफ था, आप राइट हैंड रूल अप्लाई करो इस पे, ग्रिप वाला राइट हैंड, ग्रिप रूल, ठीक है। ग्रिप वाला आप रूल अप्लाई करोगे तो उसके अकॉर्डिंगली आपके पास जो थंब होगा वो इस डायरेक्शन में चला जाएगा, और जो फिंगर का कर्ल होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखो ये नॉर्थ पोल, ठीक है, नॉर्थ पोल शो कर रहा है, और करंट की डायरेक्शन जो है वो इस तरह होनी चाहिए, फिंगर का कर्ल आपको ऐसा मिल रहा है, ठीक है। और इसी तरह से जब आप दूसरे एंड पर जाओगे तो दूसरे एंड पर भी आप नॉर्थ पोल को जहां पर रख रहे हो तो उसके अकॉर्डिंगली आप देखोगे तो करंट की डायरेक्शन आपको इसी तरह से मिलेगी, ठीक है। तो करंट की डायरेक्शन सेम ही है, उसमें कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, ठीक है। बस आपने ये चेक करना था कि अट्रैक्शन रिपल्शन वाला कॉन्सेप्ट कहाँ पर है, वो किस तरह से आइडेंटिफाई होगा, वो लेंस लॉ से आइडेंटिफाई कर लिया, तो ऑप्शन ए भी सही नहीं है, बी भी सही नहीं है, और द न्यू इंड्यूस करंट इज इन द सेम डायरेक्शन एंड कॉजेज द सॉफ्ट आयरन टू रिपेल द नॉर्थ पोल, ये सही है, क्योंकि यहाँ पे फिर अट्रैक्ट आ गया, यहाँ पे भी अट्रैक्ट है, तो अट्रैक्ट वाला तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन डी, और 32 में देखते हैं क्या पूछ रहे हो। द डायग्राम शोज अ वायर इन मैग्नेटिक फील्ड बिटवीन टू पोल्स ऑफ अ मैग्नेट, द करंट इन द वायर रिपीटेडली चेंजेस बिटवीन अ कांस्टेंट वैल्यू, करंट इन अ वायर रिपीटेडली चेंजेस बिटवीन अ कांस्टेंट वैल्यू इन वन डायरेक्शन एंड अ कांस्टेंट वैल्यू इन द ऑपोजिट डायरेक्शन एज शोन इन द ग्राफ। तो एक कांस्टेंट वैल्यू के साथ चेंज आ रहे हैं, पहले डाउनवर्ड फिर कांस्टेंट फिर अपवर्ड फिर कांस्टेंट फिर डाउनवर्ड फिर कांस्टेंट फिर अपवर्ड, इस तरह से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसकी चल रही है, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंगली अब हमने आइडेंटिफाई क्या करना होगा, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द वायर, इफेक्ट ऑन द वायर आपने फाइंड आउट करनी है। अच्छा, अब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो होगी वो नॉर्थ से साउथ होगी, करंट अभी डाउनवर्ड जा रहा है, ठीक है, फील्ड यहाँ पर आ रही है, तो कौन सा रूल लगाना चाहिए आपको, लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है, क्योंकि हमें फोर्स का नहीं पता इसमें कि फोर्स कहाँ जाएगी, लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करेंगे, और लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंगली आपने चेक करना है कि जो फर्स्ट फिंगर है वो टुवर्ड्स राइट हैंड साइड होगी, करंट अभी डाउनवर्ड मूव कर रहा है लेट सपोज, ठीक है। और अब रह गया थंब, अब थंब जो होगा वो आउट ऑफ द स्क्रीन है, ठीक है, हम जो है बेसिकली वो आउट ऑफ पेपर है, ठीक है, ये आउट ऑफ पेपर होगा। और जब करंट की डायरेक्शन चेंज होगी तो करंट की डायरेक्शन चेंज होने के बाद जो है फोर्स कहाँ हो जाएगी, इनटू द पेपर, ठीक है। तो जब करंट की डायरेक्शन ये होगी तो उस वक्त फोर्स जो होगी वो इनटू पेपर होगी,
तो उसके अकॉर्डिंगली अब हमने आंसर देखना है कि आपके पास आंसर क्या हो सकता है। तो उसके अकॉर्डिंगली हमें ये पता चल रहा है कि फोर्स की डायरेक्शन चेंज हुई है, तो फोर्स की डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं हो सकती, नो फोर्स का कॉन्सेप्ट भी गलत है, और देयर इज ओनली अ फोर्स व्हेन करंट रिवर्सेस, ये भी गलत है। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा कि फोर्स जो है वो ऑल्टरनेट डायरेक्शन चेंज कर रही है जब आप करंट की डायरेक्शन चेंज कर रहे हो। सही है। नंबर 33, अ ट्रांसफॉर्मर हैज एन पी नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न्स ऑन इट्स प्राइमरी कॉइल एंड नंबर ऑफ टर्न्स ऑन सेकेंडरी। द वोल्टेज अक्रॉस द प्राइमरी कॉइल इज वी पी एंड द वोल्टेज अक्रॉस द सेकेंडरी कॉइल इज वी एस। वट इज द रिलेशन बिटवीन द दीज फोर क्वान्टिटीज। तो बेसिकली इसका फॉर्मूला आइडेंटिफाई करना है कौन सा सही है। तो बी वाला सही है, वी पी इज इक्वल्स टू एन पी, वी एस इज इक्वल्स टू एन एस, सिंपल ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 34 न्यूक्लियर का सेक्शन है। अ मैग्नीशियम आयन हैज अ डबल पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, इस पे डबल पॉजिटिव चार्ज है, एंड अ क्लोराइड आयन हैज अ सिंगल नेगेटिव चार्ज। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट होगी, इस पे डबल चार्ज है। तो ऑप्शन है अ क्लोराइन एटम, अ क्लोरीन एटम गेन्स एन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म दी क्लोराइड आयन, अ क्लोरीन एटम लूजेस अ प्रोटॉन, तो प्रोटॉन तो लूज नहीं होते, ठीक है, अ मैग्नीशियम एटम लूजेस एन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म द मैग्नीशियम आयन, ठीक है। तो इसमें आपके पास एक इलेक्ट्रॉन तो लूज नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि जो लूज करेगा उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, जो गेन करेगा उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो मैग्नीशियम के पास +2 लिखा हुआ है, इसका मतलब है इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे होंगे, ठीक है, तो इसमें आएगा लूजेस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आपने लूज मेंशन करने, तो अ मैग्नीशियम एटम गेन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये भी गलत है, इसने डोनेट किए होंगे, और यहाँ पर एक एटम लिखा है, ये भी गलत है। तो ऑप्शन ए सही है कि इस पे नेगेटिव साइन इसलिए आया है कि इसने जो है वो चार्ज गेन किया है, ठीक है, इसलिए इस पे माइनस साइन आ गया। विच रॉ करेक्टली डिस्क्राइब्स एन एग्जाम्पल ऑफ रेडियो एक्टिव डीके। तो रेडियो एक्टिव डीके को कौन करेक्टली जो है वो डिस्क्राइब कर रहा है। एक तो अनस्टेबल होता है, ये तो हमें पता है, तो स्टेबल वाला ऑप्शन तो खत्म कर देते हैं। फिर उसके बाद अल्फा बीटा गामा की बात हो रही है कि अल्फा बीटा गामा में से कौन जो है वो एलिमेंट को चेंज कर सकता है और कौन चेंज नहीं करता, ठीक है, या उसमें क्या चेंज आता है। तो अनस्टेबल तो होगा, ये बात तो सही है। फिर अल्फा की बात हो रही है चेंज ऑफ एलिमेंट, ये भी सही है। बीटा फिर दोबारा अल्फा, नो चेंज ऑफ एलिमेंट, ये गलत है। तो यहाँ पर ये वाली बात गलत लिखी हुई है, ये वाली बात गलत लिखी हुई है, क्योंकि बीटा की वजह से भी एलिमेंट चेंज होता है, अल्फा की वजह से भी, गैमा की वजह से चेंज नहीं होता। तो इन सब में जो बेस्ट ऑप्शन है वो ये कि अनस्टेबल होगा, अल्फा होगा, और एलिमेंट में चेंज भी आएगा, ठीक है। आप कोई भी एलिमेंट की एग्जाम्पल ले लो, यूरेनियम, और उसमें से अल्फा एमिट कराओ तो आपको एक न्यू एलिमेंट मिलता है, ठीक है। एक आइसोटोप है जिसकी हाफ लाइफ है 15 आवर्स, What happened, sir? एक्चुअली वो वाईफाई काम नहीं कर रहा था, तो वो डिसकनेक्ट करके कनेक्ट किया तो
एंड हो गई मीटिंग। हाँ ओके अच्छा तो 36 क्वेश्चन नंबर, अ रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ सोडियम हैज अ हाफ लाइफ ऑफ 15 आवर्स। 15 आवर्स की जो है वो हाफ लाइफ आइसोटोप की है। द टेबल गिव्स डेटा फ्रॉम एन एक्सपेरिमेंट टू शो हाउ द रेट ऑफ डिके ऑफ द आइसोटोप वेरीज विद टाइम। ठीक है, रेट ऑफ डिके जो है वो टेबल से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बैकग्राउंड काउंट रेट हैज नॉट बीन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दीज डेटा। ठीक है, बैकग्राउंड जो है वो रेडिएशंस को अब सब्ट्रैक्ट नहीं किया गया है, वो उनमें एड अप है। अब आपने बताना है कि इसमें बैकग्राउंड रेडिएशन क्या होगी। ठीक है, नॉर्मली हर क्वेश्चन में वो बैकग्राउंड रेडिएशंस आपको देते थे, लेकिन इसमें वो आपसे पूछ रहे हैं आप आइडेंटिफाई करो कि कितनी हो सकती है और कितनी होगी। ठीक है, अब यहाँ पर 400 400 को अगर हम हाफ करते हैं तो वैसे तो बनना चाहिए 200। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बन रही है 260। ठीक है, और यहाँ पर हाफ लाइफ के बाद, अच्छा सॉरी, इसका हाफ लाइफ तो 15 आवर्स है ना, तो 15 आवर्स का मतलब ये कि 10 और 20 के मिड में आएगा 15। ठीक है, तो यहाँ पर ये 200 होना चाहिए। लेकिन अगर आप ये देखो तो इस ये 260 और 170 से इक्वली डिस्टेंट नहीं है। ठीक है, ओके, तो अब इसके अकॉर्डिंगली अगर आप इसे चेक करो कि कितना होना चाहिए, अब इसकी हाफ लाइफ यहाँ मिड में आएगी। एमसीक्यू कई एग्जाम है या बाकी थ्योरी भी है। और 15 के बाद वेट सर, डू आप यू से समथिंग? असल में हुसैन से मैं पूछ रहा था कि आपका सिर्फ एमसीक्यूज के एग्जाम है या थ्योरी, कि हमारे सिर्फ हाँ एमसीक्यू, ओके सर, तो हम सिर्फ एमसीक्यूज ही डिस्कस कर रहे थे। एमसीक्यूज है, थ्योरी इस साल नहीं अगले साल है। ठीक है, बस ये पार्ट अभी न्यूक्लियर का एंड हो जाएगा, उसके बाद फिर दूसरे वेरिएंट स्टार्ट करेंगे, तो उसमें स्टार्टिंग से ही क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, ओके सर, ओके थैंक यू सर। और अच्छा अब इसमें जो है वो 15 मिड में आ रहा है, उस पे वैल्यू 200 बननी चाहिए, लेकिन आप 260 और 200 से देखो 60 का डिफरेंस है, 170 और 200 के यहाँ से देखोगे तो 300 का डिफरेंस है, और फिर 200 के बाद इसे 100 हो जाना चाहिए था, लेकिन ये 115 पर है। तो इसके अकॉर्डिंगली आपको क्या लगता है कि इसकी हाफ लाइफ कितनी होनी चाहिए। क्योंकि अगर ये 400 से स्टार्ट कर रहा है तो 400 के बाद इसे डिक्रीज होकर 200 पे आना चाहिए था, फिर उसके बाद 100 पे आना चाहिए था। ठीक है, और यहाँ पर जो टाइम ड्यूरेशन होगा 15 15, नॉट श्योर। ओके चेक करते हैं, और फिर 30 आवर्स के बाद ये यहाँ तक पहुँच जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें डिफरेंस चेक करना है हमने कि डिफरेंस कैसे मिलेगा आपको। फिफ्टीन अच्छा, हम इसमें 1 बाय 1 ऑप्शंस को चेक कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला तो कोई एग्जैक्ट था ही नहीं कभी, तो हम 1 बाय 1 ऑप्शंस चेक कर लेते हैं। अब लेट्स सपोज 400 वैल्यू तो हमारे पास इनिशियल है। ठीक है, तो इनिशियल वैल्यू का मतलब ये हुआ कि अगर आप 12 कंसिडर कर रहे हो, तो 12 का मतलब ये हुआ कि 388 में हम 12 ऐड कर दें तो ये 400 बनेगा। अब 388 की आप हाफ लाइफ करो, ठीक है, 388 डिवाइडेड बाय 2,
कितना बनेगा? 194, 194 डिवाइडेड बाय 2, फाइनल आंसर आ रहा है 97। मतलब इसकी दोनों हाफ लाइफ्स करने के बाद फाइनल आंसर आ रहा है 97 ऑप्शन ए में। तो ये तो नहीं हो सकता क्योंकि फाइनल आंसर तो हमें 115 मिल रहा है। अब हम चेक करते हैं ऑप्शन बी। ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग 15 वैल्यू है। 15 का मतलब 400 - 15 करते तो वैल्यू बन रही है 385। तो आप 385 से अगर स्टार्ट करते हो और उसमें 15 ऐड कर दें तो ये बन जाएगा 400 अगेन। तो अब आप 385 की हाफ लाइफ चेक कर लो डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, और फिर डिवाइडेड बाय 2, फाइनल आंसर कितना बन रहा है? 96.25। मतलब बिल्कुल फाइनल आंसर 96.25। तो ये भी पॉसिबल नहीं है। फिर आते हैं थर्ड ऑप्शन पे। थर्ड ऑप्शन है 20। 20 का मतलब है 380 चाहिए होगी वैल्यू। तो 380 प्लस 20 इज इक्वल्स टू 400 बनेगा। 380 की हाफ लाइफ चेक करते हैं। 380 डिवाइडेड बाय 2, 190। और 190 की हम प्लस करें, ओ सॉरी, डिवाइड बाय 2 करें। 380 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2, ये बन रहा है 95, ठीक है। और फाइनल ऑप्शन डी जो है वो डी के हिसाब से 30। 30 का मतलब है 370। 370 प्लस 30 इक्वल है 400 के, और 370 को डिवाइड बाय 2 करना है, फिर एक बार डिवाइड बाय 2 करना है, ये बनेगा 92.5। फाइनल फाइनल। अच्छा, अब इन सब में आप हाफ लाइफ ऐड करके, सॉरी, बैकग्राउंड रेडिएशंस ऐड करके देखोगे, ठीक है, कि आपके पास फाइनल आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा। क्योंकि क्वेश्चन में हिंट गिवन है कि बैकग्राउंड रेडिएशंस को सब्ट्रैक्ट नहीं किया है। बैकग्राउंड रेडिएशंस को सब्ट्रैक्ट ना करने का मतलब ये हुआ कि आपके पास जो जो आपने वैल्यू सेलेक्ट की है, जैसे 97, 97 में बैकग्राउंड रेडिएशंस थी 12। तो अगर आप इस पर 12 ऐड करते हो, ठीक है, तो 97 प्लस 12 आपको कितना आंसर दे रहा है फाइनल? 109। इसका मतलब ऑप्शन ए पॉसिबल नहीं है क्योंकि फाइनल आंसर तो 115 है हमारे पास टेबल में। इसी तरह से 96 में दोबारा से बैकग्राउंड रेडिएशंस को आप ऐड करो, ठीक है, वो आपको कितना आंसर दे रहा है एग्जैक्ट? 111। तो ये भी आंसर सही नहीं है क्योंकि हमारे पास तो 115 है। फिर आता है ऑप्शन सी। 95 में आपने ऐड करना है फिर से 20 को, तो ये हो जाएगा 115। हाँ, ये सही है, ये बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर दे रहे हैं। और इसमें 30 ऐड कर दें, वन ट्वेंटी टू पॉइंट फाइव, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंगली ऑप्शन सी। तो कोई फॉर्मूला नहीं है, कुछ भी नहीं है, आप डायरेक्ट चेक कर लोगे इसे वन बाय वन वैल्यू सब्सटीट्यूट करके कि किस वैल्यू पर ये आपको एग्जैक्ट सेम आंसर दे रहा है। और क्योंकि उन्होंने बैकग्राउंड रेडिएशंस को सब्ट्रैक्ट नहीं किया था, इसलिए हमने हाफ लाइफ करने के बाद दोबारा से उसमें बैकग्राउंड रेडिएशंस वही ऐड कर दी जो ऑप्शंस में गिवन थी, ठीक है, और उसके बाद फिर आपको आंसर मिला ऑप्शन सी। सही है। So can you re-explain the question, please? बेसिकली इसमें ये था कि हाफ लाइफ थी 15 आवर्स की, ठीक है, आफ्टर 15 आवर्स ये हाफ हो जाएगा। अब 15 आवर्स के अकॉर्डिंगली अगर आप इस टेबल को चेक करो तो इस टेबल में मार्किंग थोड़ी सी आगे पीछे की है, उन्होंने एग्जैक्ट नहीं दिया आपको हाफ लाइफ। अब 400 के बाद ये हाफ होगा 200 पर, लेकिन हाफ लाइफ है 15 आवर्स की। 15 आवर्स का मतलब ये कि 10 और 20 इसके मिड में आपको मिलेगा 15 टाइम, तो ये हाफ होगा यहाँ पर आकर, ठीक है, 200। फिर उसके बाद 15 के बाद एक और हाफ लाइफ करेंगे तो 15 प्लस 15 30 बनता है, तो ये जाएगा यहाँ पर 30 पर, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ दो हाफ लाइफ हो रही है,
दो हाफ लाइफ हो रही है और उन्होंने कहा है कि बैकग्राउंड रेडिएशन को सब्ट्रैक्ट नहीं किया है फाइनल आंसर में, इसका मतलब इस 115 में और इन सब वैल्यूज में बैकग्राउंड रेडिएशन ऐड हुई हुई है ऑलरेडी। ठीक है, अब हमने क्या किया, वन बाय वन ऑप्शन चेक किए। सबसे पहले हमने ऑप्शन ए को सेलेक्ट किया, उसमें लिखा हुआ था 12, तो पहले हमने बैकग्राउंड रेडिएशन को सब्ट्रैक्ट किया, सॉरी मतलब इस तरह से लिखा कि अगर हम उसे ऐड करें तो हमारे पास ये वैल्यू बननी चाहिए, क्योंकि उन्होंने लिखा हुआ है नॉट सब्ट्रैक्टेड, बैकग्राउंड रेडिएशन इंक्लूडेड है इसमें। तो बैकग्राउंड रेडिएशन इंक्लूड होने का मतलब है कि 12 में हम और ऐड करेंगे अगर 388, तो आपको 400 मिल जाएगी, तो 12 बैकग्राउंड रेडिएशन हमने इसमें ऐड कर दी हमारे पास। फिर हमने हाफ लाइफ की, 388 को आप हाफ करो, ठीक है, 388 को जब आप फर्स्ट टाइम हाफ लाइफ करोगे इसका आंसर आएगा 194। ठीक है, फिर आप उसके बाद दूसरी हाफ लाइफ करोगे, या आपने पहली हाफ लाइफ की और या आपने दूसरी हाफ लाइफ की, ठीक है, दूसरी हाफ लाइफ के बाद आंसर आया 97। अब आप इसमें दोबारा बैकग्राउंड रेडिएशंस को ऐड करके देखोगे कि आज जो फाइनल आंसर टेबल में गिवन है वो आता है या नहीं आता, ठीक है, क्योंकि उन्होंने कहा है ना हाफ लाइफ में, हाँ ओके, अच्छा तो इस रेफरेंस से हमने हर आंसर्स को चेक करना है वन बाय वन। आई गेट इट, तो थैंक्स। एक आध क्वेश्चन वो लाजमी ऐसा देते हैं हर पेपर में जिसमें आपका टाइम सबसे ज्यादा लगता है, तो जब पहली बार में नहीं समझ आ रहा ना कि इस पे क्या कर सकते हैं तो उसको स्किप करके पहले बाकी कर लेना। जैसे वो लास्ट पेपर में भी एक वो दिया था उन्होंने, टाइम वाला दिया था स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का, उसमें भी इसी तरह से सोचना पड़ता है कि क्या लिंक हम इसमें यूज कर सकते हैं। और व्हाट हैपेंस इन द प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर फिशन, ठीक है, अब स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस होंगे आगे, ठीक है, इन्होंने ऑलरेडी इतना डिटेल क्वेश्चन दे दिया पहले। तो फिशन रिएक्शन में स्प्लिट होते हैं बेसिकली, इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड, इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड, द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम स्प्लिट्स, सी फाइनल स्पेस फिजिक्स, ओके। अब इसमें ये है द टाइम टेकन फॉर द अर्थ टू ऑर्बिट द सन इज अप्रोक्सीमेटली 365 डेज, द एवरेज रेडियस ऑफ द अर्थ ऑर्बिट अराउंड द सन इज 1.5 एक्सपोनेंट 8 किलोमीटर्स, एवरेज ऑर्बिटल स्पीड फाइंड आउट करनी है, तो एवरेज ऑर्बिटल स्पीड जो है वो v इज इक्वल्स टू 2 पाई r ओवर t। टाइम 365 डेज का है, इसको सेकंड्स में लेकर आना है और किलोमीटर को मीटर में लेकर आना है आपने, ठीक है। और फिर इसमें सब्स्टिट्यूट करके चेक करना है कि आपका आंसर क्या आता है। तो बेसिकली 2 पाई r की जगह पर 1.5, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, डिवाइडेड बाय टाइम जो है वो सेम वही 365 डेज, और एक दिन में 24 आवर्स, 1 आवर में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकेंड्स, इन सब की वर्किंग करके आपने चेक करना है कि क्या आंसर आता है फाइनल। टू नाइन एट एट नाइन, इसका मतलब है 3 एक्सपोनेंट 4। तो 38 का आंसर हो गया ऑप्शन सी, क्योंकि 2 9 8 8 9 इसका मतलब है 30,000 के इक्वल है ये, और हम इसे राउंड ऑफ करके लिख सकते हैं। द सन ट्रांसफर्स एनर्जी टू द अर्थ थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, देर आर व्हाट आर द टू ऑफ द पार्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम टू विच मोस्ट ऑफ द एनर्जी बिलोंग्स। तो वो दो सेक्शंस आपने सेलेक्ट करने हैं जिसमें सबसे ज्यादा एनर्जी होती है, बहुत इजी है।
एनर्जी सबसे हाईएस्ट मिलेगी आपको इंफ्रारेड रेडिएशंस में, क्योंकि जब हम डिस्कस करते हैं कि जो रेडिएशंस एमिट होती है सन से, वो भी इंफ्रारेड उसमें होती है, और उसी के साथ विजिबल लाइट रीजन भी एमिट होता है, तो उसमें सबसे ज्यादा एनर्जी होती है, क्योंकि सन के बारे में हमने पढ़ा है वो सीक्वेंस ऑफ स्टार में आता है, और वहाँ पे फिशन रिएक्शन की वजह से वैसे ही बहुत एनर्जी जो है वो एमिट आउट होती है। और फाइनल पार्ट में फिर से सन के बारे में पूछ रहे हैं, हाउ डज द सन प्रोड्यूसेस इट्स एनर्जी। तो सिंपल है, बाय फ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये आपके पास सेकेंड वेरिएंट कंप्लीट हुआ है।